सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आप लोग दुआ आशीर्वाद प्यार की वजह से गाइस मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और सुबह के बज चुके थे 8:30 और सालवी जा चुकी है स्कूल। और मैं यहाँ पर अपनी कढ़ाई में निकाल रही हूँ जो जितनी भी मलाई मैंने पूरे महीने भर इकट्ठा की है उससे घी निकाल रही हूँ। और ये देख सकते हैं मैंने इसे गर्म कढ़ाई में रख दिया तो ये काफ़ी अच्छे से खोल रहा है। और इसे खोलते खोलते मतलब जो तेल बनेगा, वो जो घी बनेगा, उसे हम स्टैंड करके रख लेंगे। तो चलिए इस प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाया कीजिए गाइस। आपके सब्सक्रिप्शन से एक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ग्रो करने में मुझे हेल्प मिलती है। तो ये देख सकते हो मैं किचन में हूँ और मैं अपना किचन में सबसे पहले तो घी को निकाल रही हूँ। और आज का नाश्ता देखो बाहर से आ चुका है, हस्बैंड बाहर से ही मंगा लिए थे। एक्चुअली आज सैटरडे है तो उन्होंने बोला कि आज बैंक की ऑफ भी है और तुम भी थक जाती हो तो थोड़ा सा आराम करो, मैं नाश्ता बाहर से लेता हूँ, लंच मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मुझे पता नहीं था कि नाश्ता में क्या है। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ को साउथ इंडियन फूड ज़्यादा अच्छा लगता है तो यहाँ पर उन्होंने मसाला डोसा मंगाया है। बट इस मसाला डोसा के अंदर ना जो फीलिंग है वो पनीर की है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगेगी। और मैं आलू वाली हूँ तो मुझे आलू वाले मसाले डोसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के निकाल रही हूँ ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे देख सकते हैं एक कोकोनट की चटनी दी हुई है एक कटोरी में, छोटी सी कंटेनर में। मैं किचन में आ गई हूँ और ये देख सकते हैं काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है ना, पूरी मलाई अंदर बैठी हुई है और घी ऊपर आ चुकी है। तो इसे अच्छे से हम लोग स्ट्रेन करेंगे और इसे अच्छे से खौलाकर इसके घी को बाहर निकालेंगे। तो ये जो घी निकालने का प्रोसेस है ना, वो मैं बहुत पहले ही से सीखी थी जब मम्मी के साथ रहती थी घर पे। तो उन्होंने कई बार ऐसे दूध की मलाई से घी निकाला है और बहुत लोग बहुत तरीक़ों से निकालते हैं, जैसे उसको मलाई को महकर, जैसे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे दही को महा जाता है वैसे ही उसके महकर और घी निकलता है। तो वो प्रोसेस आज तक मुझे नहीं आया है, मैंने कोशिश भी किया था बट वो मलाई से घी नहीं निकल पाता। और ये वाला जो है प्रोसेस मुझे काफ़ी अच्छी लगता है। ये सिर्फ आपको बैठा देना है गैस पे बस। हाँ यही है कि गैस, इसकी ड्रॉबैक है कि गैस में ज़्यादा लगती है, लेकिन एक महीने में आपको घी मिल जाएगी बहुत अच्छी, वो भी शुद्ध घी, तो आपके घर को परिवार को बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं यहाँ पर घी निकाल रही हूँ। और ये देख सकते हैं जो मैं दूसरे वाले कंटेनर में निकाली हूँ ना, तो सारा झाग आ चुका है। तो इसे क्या करेंगे, इससे झाग कैसे हटाएंगे, ये भी आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊँगी। तो सबसे पहले और भी जो घी है वो निकलने देते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि ये पूरा मुझे 250 ग्राम या आधा किलो मिल जाएगा, आधा किलो से कम ही होगा। और ये देख सकते हैं जो घी मैंने निकाला था ना, उसको भी अदर साइड मैंने बैठा दिया और इसकी जो झाग है वो भी मतलब ख़त्म हो जाएगी और उससे भी थोड़ी बहुत घी निकल जाएगी और ये सारा साफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये सारी झाग जो है वो मलाई की ही है, जो कच्ची वाली मलाई रह गई है वो भी आ चुकी थी घी में, तो ये भी जल के घी बना देगा। अभी अभी ये बेल बजा है तो हस्बैंड देख रहे हैं कौन है। और हम लोगों ने अर्बन कंपनी से बुक किया था प्लम्बर को, तो वही आया हुआ है। और हमारा एक बाथरूम में कुछ चीज़ चल रहा था, उसे कई दिनों से ठीक कराना था, तो वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पर मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और इसे बार बार ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी आप भूल गए कि गैस पर कुछ रखा है ना, तो ये सारा मतलब जो घी है ना वो जल जाएगा और उसमें कलर मतलब गोल्डन रहेगी तो अच्छी रहेगी, अगर ब्लैक होने लगी तो भाई साहब ज़रूर आपके घी के साथ कुछ गड़बड़ हो चुका है। तो बहुत ध्यान से इसे निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये घी ज़्यादा जल ना जाए और इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी आ रही थी मुझे। और जब भी मैं घी निकालती हूँ ना तो हस्बैंड हमेशा एक्साइटेड हो जाते हैं, जब भी मतलब मैं घी घर में घी भी अगर ज़्यादा मतलब मलाई जो है अगर वो ज़्यादा बढ़ने लगता है और मैं एक कंटेनर से दो कंटेनर तीन कंटेनर जब तक जमा ना लूँ तब तक से निकालती भी नहीं हूँ, तो वो जब देखेंगे तो वो ज़रूर बोलेंगे कि शालू घी कब निकालने वाली हो। और ये निकालने के बाद उनको भी अच्छा लगता है कि चलो घर में अच्छा चीज़ आ रहा है और हमें मिल रहा है। तो यहाँ ब्लिंकिट से इन्होंने ऑर्डर किया था साइकिल का
जो पंप होता है, जो टायर में हवा डालते हैं, वो पंप मंगाया था। और मुझे ये तो आइडिया ही नहीं था कि ब्लिंकिट पे साइकिल पंप भी मिलता है जो हवा डाल सकते हैं। तो सालवी के लिए थोड़े बहुत एप्पल के जूस आए थे और ट्रॉपिकाना का, और इन्होंने ये पंप मंगाया। और ये हम मुझसे आज सुबह से बोल रहे थे कि मुझे साइकिल को वॉश करना है, उसमें हवा डालना है। तो मैंने इन्हें रिकमेंड किया कि जाकर बाहर डलवा के आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि बहुत दूर है, लेकिन साइकिल का जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, वो बाहर जा भी नहीं सकता है। तो इन्होंने ऑर्डर कर लिया और बोला था कि मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर करो। तो मैं बहुत मतलब ऐसी थी ना कि मतलब मुझे लग रहा था कि ये क्या मजाक कर रहे हैं, ब्लिंकिट से कैसे आएगा। और पता चला कि पंप वहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग लग गए यहाँ पे पंप को फिट करने में टायर में, और देख सकते इसमें हवा भी चेक कर सकते हैं। हस्बैंड साइकिल को ला चुके हैं वॉशरूम में और यहाँ पे इसे वॉश कर रहे हैं। और मैंने इन्हें बोला था कि आप नीचे रख दो पार्किंग में, जो हमारी कार वॉश करते हैं वो साइकिल भी वॉश कर देंगे। बट इन्हें अपनी साइकिल से कुछ ज़्यादा ही प्यार है, तो इन्होंने बोला था कि नहीं, मैं घर में ही वॉश कर लूँगा, खुद से वॉश कर लूँगा। तो एक साइड तो हो चुका है, अब पीछे वाली साइड को वॉश करना है। तो यही सब करते करते मिड मॉर्निंग का जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका था। अब टाइम हो रहा था शालवी को स्कूल से घर लाने का, और साथ में मुझे जाना था सुपर मार्केट। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं, और देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा है, बादल भी साफ लग रहा था। आज तो ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे बारिश होगा। तो चलते हैं शालवी के स्कूल और वहाँ से जाते हैं सुपर मार्केट। किसके लिए ले रही हो? दूधी बहन के लिए। छोटी बहन के लिए? गुरु के लिए। हाँ, साइज का है? हाँ, भाई ढाई साल का है। देखे कितना साइज है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन छोटा है ना? हाँ, 18 से 24 महीने का है, नहीं 2 साल। अरे बेबी के लिए है। अच्छा जी, इधर है। ये बननी है कभी का। ओ माय गॉड। हां? सही से वो बेबी के लिए नहीं है।
साल भी।